सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं मालदीव कंट्री के कुछ बीचेज, एयरपोर्ट, इसके अलावा वहाँ के लोकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं मालदीव कंट्री में जाने के लिए। तो ऐसे में किस तरह से जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं दोस्तों, वहाँ का बीच कैसा होता है, किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यदि मान लीजिए आप मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इनसे मिलिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला मालदीव कंट्री के बारे में, आप वहाँ पर जा करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर कमा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डिटेल सुन लीजिए दोस्तों। कैसा लग रहा है मालदीव में भाई? अच्छा है भाई, अच्छा है भैया, अच्छा है ना। तो मैं अभी अभी आया भैया, अभी अभी आया। क्या मतलब? झूठ मत बोलो भैया, इधर 12 साल हो गया भैया, 12 साल 12 साल 10 साल। बांग्लादेश भाई के लोग को बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग मॉलिस में आ जाओ, आके काम करो, इधर बहुत अच्छा है। दूसरा कंट्री से इधर अच्छा है, लेकिन इधर आपका चलने से तरीका सिर्फ बहुत अच्छा है, लेकिन आ जाओ तुम लोग, मतलब अच्छा पैसा कमा सकते हो इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को अच्छा रखा हुआ है, अभी ऐसा ही चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काम इंजॉय करते हैं यहाँ पे आप, हैं काम भी करते हो, इंजॉय भी करते हो। आप इधर आने के बाद, एक बात है, इधर आने के बाद आप इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा भी कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब आप इंजॉय करेगा मेहनत, तब आपको तकलीफ नहीं होगा। जब इसी बार मैं बोलता हूँ आप लोग आ जाओ, आके इधर काम करो, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा आप लोग, हम लोग बांग्लादेश में चलता रहता था, इधर भी ऐसा ही सेम है। आप लोग आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग इधर है, जो सपोर्ट है हम लोग सपोर्ट देगा सबको, कोई मुश्किल नहीं है। बस पैसे देंगे क्या? बांग्लादेश भाई के लोग को बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर डिटेल सुना किस तरह से कौन कौन सा यहाँ पर फीचर फैसिलिटी, और यहाँ पर मालदीव कंट्री में जा करके ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर मालदीव कंट्री का कुछ और नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको एक बीच देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि स्विमिंग पूल है, फ्री वाला जो आर्टिफिशियल बीच है। अब ऐसे में यहाँ पर इस बीच पर काफ़ी लोगों को आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे होते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर मछली भी मार रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, डिटेल आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी पब्लिक यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ऐसे में यहां पर जो भी लोग जाना चाहते हैं, सिंपली आप यहां पर नज़ारा भी देख सकते हैं, यहां पर काफ़ी ऐसे दुकान लगाए जाते हैं जो कि कपड़ा होता है, इसके अलावा सामान होता है दोस्तों, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं काफ़ी सस्ते दामों पर, ऐसे ही मार्केट यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, काफ़ी ऐसे सामान होते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहद ही कम दाम पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, लोग यहाँ पर कपड़ा भी खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अपना मनपसंद यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बीच का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर उसमें नहा रहे हैं या फिर मान लीजिए अपना एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए कुछ इस तरह से नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ लोगों को आप देखेंगे तो यहाँ पर मछली भी मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में यहाँ पर यह मालदीव कंट्री का ही लोकेशन है, जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको व्यू देखने के लिए मिल जाता है। और आज यहाँ पर मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी रहती है और छुट्टी के दिन काफ़ी लोग यहाँ पर समुद्र के किनारे आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग अपना शिकार भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कि कांटी होता है वहाँ पर चारा लगाकर मछली भी मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं अब यहाँ पर नज़ारा कुछ इस तरह से आपको यहाँ का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर जब कोई भी आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक बीच है और बीच पर दोस्तों अगल बगल समुद्र आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं, एक बच्चा है और एक मछली पकड़ा हुआ, जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह इससे खेल भी रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर नज़ारा कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। यही नहीं, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कैसा आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आप यह भी नोटिस करेंगे, काफ़ी लोग अंदर की तरफ भी गए हुए हैं नहाने के लिए, और काफ़ी लोग बाहर भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर जा करके आप ऐसा नज़ारा ले सकते हैं, बट यहाँ पर मालदीव कंट्री में नेचुरली आपको ऐसा नज़ारा हमेशा ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, और भी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर ओवरव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सामान बेचते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इंडिया में बेसिकली देखने के लिए मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे अपना यहाँ पर धंधा करते रहते हैं।
तो ऐसे में इनका भी आप यहाँ पर धंधा थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ इस तरह से यह सभी डिजाइन करके अपना यहाँ पर सामान बनाते हैं खाने के लिए, जैसे कि कुछ यहाँ पर लाई हो गया, इसके अलावा मसाला डाल देते हैं, कुछ चटनी डाल देते हैं और कुछ स्पाइसी बनाते हैं ताकि खाने में थोड़ा यहाँ पर इंजॉयमेंट मिले। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं, और ऐसे में आप इसको भी खा करके अपना यहाँ पर स्वादिष्ट बता सकते हैं कैसा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्रिज आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह बीच है। आप सिंपली इस ब्रिज को आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो काफ़ी यहाँ पर डिटेल भी दिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और यह ब्रिज कनेक्ट करती है जो कि यहाँ पर एयरपोर्ट होता है उससे। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी लंबा ब्रिज है और यह इसी एयरपोर्ट से, मतलब इसी ब्रिज से लोग एयरपोर्ट आते हैं और जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी डिटेल दिखाते हैं आगे जा करके। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं डिटेल कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि यहाँ पर माले का लोकेशन होता हुआ थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिण साइड है। और यहाँ पर जो कि ब्रिज है ऊपर की तरफ देख सकते हैं काफ़ी लंबा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, और भी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर इस चैनल पर बने रहिए, जो कि यहाँ पर मालदीव कंट्री होता है वहाँ का लोकेशन और यहाँ पर एरिया काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यह यहां पर एयरपोर्ट है और यहां पर ये दोस्तों कुछ इस तरह से यहां से नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, और भी डिटेल थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ आपको लाइट वगैरह और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, और ब्रिज के ऊपर से कुछ इस तरह से नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर इस साइड आपको माले का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। यह माले है और यहाँ पर यह इस साइड आप देखेंगे तो यह एयरपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, और भी डिटेल आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा मालदीव कंट्री से रिलेटेड। यदि आप मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं वर्क करने के लिए या फिर मालदीव घूमने के लिए, उन सभी का डिटेल देखने के लिए मिलेगा। कैसे आपको जाना है, किस काम में कितना सैलरी मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ का लोकेशन एरिया, इसके अलावा किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से काम करना है, कैसे डील करना, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो अपडेटेड रहिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।